स्पॉन्सर्ड बाय BRC छत्री डेसिकेटेड कोकोनट सुपर पाउडर। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री का स्वागत। नेहडोर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी ललित टाग वाल्मीकि ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिल मुर्तजा, पूर्व राज्य मंत्री और उनके बेटे नौमान मुर्तजा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद नेहडोर में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नवभारत समाचार जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। आज जनपद बिजनौर के ग्राम अमेड़ा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का स्वागत किया है, क्या कहना है आपको? मैं ललित वाल्मीकि और नेहडोर विधानसभा के भावी प्रत्याशी और हमारी पूरी टीम आई हुई थी। हमारे जो राष्ट्रीय सचिव जी आ रखे हैं उनके स्वागत किया, काफ़ी जोर शोर से स्वागत किया और 2022 के लिए। आप तो प्रत्याशी होने वाले, आप नेहडोर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से आप विकास करें? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूं, 2022 में सब एकजुट होकर तैयार हो जाए और समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल मुर्तजा है। अच्छा, आज जो जनपद बिजनौर का दौरा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? आज बिजनौर में दलित किसान मजदूर सम्मेलन है और मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उनका पैगाम लेकर आया हूं। आज बिजनौर की आवाम से रूबरू होने का मौका मिला। 2022 का चुनाव आने वाला, किस तरह से देखते हैं? 2022 के चुनाव को समाजवादी पार्टी हमेशा विकास में विश्वास करती है और 2012 से लेकर 2017 तक यादव जी की अगुवाई में जो उत्तर प्रदेश की राह पर बन रहा था, अब पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार है। जो सारे विकास ठप पड़े हैं उनको 2022 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दोबारा भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे।